हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखी चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्पर्सिव पावर ऑफ मेटल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो जो प्रिज्म का जो मटेरियल होता है उसकी डिस्पर्सिव पावर कितनी होती है। डिस्पर्सिव पावर मतलब किसी भी कोई भी रेज उसके पास आएगी तो वो उस रेज को कितना फैला सकता है, ये हम चेक करेंगे। तो जो प्रिज्म का जो मटेरियल होता है उसकी डिस्पर्सिव पावर कितनी होती है ये हम चेक करेंगे। और इसके लिए हमें पर्टिकुलर कलर भी तो चाहिए कि कौन से कलर के लिए इसका जो डिस्पर्सिव पावर है वो ज़्यादा है और किसके लिए कम है। तो हमने दो कलर ले लिए यहाँ पर, वायलेट और येलो। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे मर्की लाइट, हम इसमें यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक बात, स्पेक्ट्रोमीटर तो हर जगह ही यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में आपको लिखना है ये। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको जो है क्या बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी कुछ प्रयास ये करूँगा कि मैक्सिमम पार्ट आपका समझाने वाला पार्ट है इसी में जो है आपका कवर कर सकूँ, और बाकी जो बचा जो भी पार्ट बचेगा आपको जो इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँगा, जो इसमें जो आप देखेंगे कि जो रीडिंग मैंने लिख रखी है वो रीडिंग कैसी आई वो आपको प्रैक्टिकल से पता चलेगा। तो जब इसका प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँगा तब आप उसमें अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया, यहाँ पे आप चाहे आप एम लिखे या फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको यही लिखना पड़ेगा। डिस्पर्सिव पावर हम किसके निकाले हैं, मटेरियल ऑफ प्रिज्म की। मल्टी लाइट यूज़ कर रहे हैं और दो कलर ले रहे हैं, वायलेट और येलो के लिए हम डिस्पर्सिव पावर देख रहे हैं मटेरियल ऑफ प्रिज्म की। ठीक है, और स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके। ठीक है, देन आप उसके बाद आता है सेकंड। आपको लिखना होता है फाइल में अपैरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन से अपैरेटस आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, देन प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंस्ट्रूमेंट, मर्करी इज ऑल्सो एंड रीडिंग लेंस, सॉरी रीडिंग हाँ लेंस बोल सकते हैं, रीडिंग लेंस आप बोल सकते हैं, मैग्नीफायर, जैसे मैग्नीफायर जो ग्लास होता है वो रीडिंग लेंस ही होता है, उसके थ्रू हम फोकस करते हैं वर्नियर स्केल्स पर जिसके थ्रू हमें रीडिंग साफ दिखाई देती है। ठीक है ना, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। देन उसके बाद आता है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपका आता है फार्मूला यूज्ड, आप कौन सा फार्मूला इसको यूज़ करें डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए। ठीक है, तो द डिस्पर्सिव पावर डब्ल्यू, हम इसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्पर्सिव पावर को, ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय द फार्मूला, कौन से फार्मूला से, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है म्यू वी माइनस म्यू वाई अपॉन म्यू माइनस वन। तो आपका डब्ल्यू आपका क्या हो गया डिस्पर्सिव पावर, म्यू वी आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, और म्यू वाई आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर येलो कलर, और म्यू माइनस वी आपका ये तो नॉर्मली है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, सॉरी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर के लिए म्यू वी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर के लिए म्यू वाई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए आपका आ गया म्यू। ठीक है ना, म्यू माइनस वन। ठीक, तो ये मैं आपको बता दें, यही आपका लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटल, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी म्यू के लिए आपने पहले भी निकाल चुके हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेलम बाई टू ए बाई टू, तो उसके लिए आपको डेलम चाहिए, चाहे तो आप ए के लिए भी जो है टेबल फाइंड आउट कीजिए, वैसे ए के लिए जो है कितना आता है 60 वैल्यू आती है आपकी, या तो आप ऐसे ही करके निकाल लीजिए, और अगर ज़रूरत है तो आप इसकी भी कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तब हम ऑब्जर्वेशन, ठीक है ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बारे में, क्योंकि ये तो हमें पता है तो इसलिए हम इसके लिए मिनिमम डेविएशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी एक नज़र डायग्राम के ऊपर डाल लें। तो ये आपका क्या होता है, मर्करी लाइट का सोर्स होता है, ये सोर्स ऑफ मर्करी लाइट है जिसके थ्रू जो है लाइट आ रही है, और इसे ये प्रिज्म पे पड़ रही है जिसके थ्रू जो है ये आपका टेलीस्कोप हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया टेलीस्कोप, और यहाँ पर भी ये आपका टेलीस्कोप है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये मर्करी लाइट जो सोर्स है इससे जो है इस प्रिज्म के ऊपर लाइट पड़ रही है, और उस लाइट से हम इस टेलीस्कोप के थ्रू देख रहे हैं। तो टेलीस्कोप के थ्रू देखने पर कितना डेविएशन बन रहा है उसका। ठीक है ना, अपने जो 90 डिग्री का जो पाथ है उससे थोड़ा डेविएट हो रहा है ये। ठीक है ना, उससे ही डेविएशन हो गया आपका। ठीक है, मिनिमम डेविएशन ये हो गया। ठीक, तो अब देखिए जो कैलकुलेशन है वो हम देखेंगे बाद में, पहले हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल की ओर। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिकल्स देखे होंगे इसी के, एंगल ऑफ प्रिज्म निकाला, देन सेकंड में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, और थर्ड हम निकाल रहे हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मेटल ऑफ प्रिज्म के लिए। तो उसमें हमने ये सब काफ़ी यूज़ किया है, तो ये सब आपको पता लग जाएगा। कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन के लिए तो हमने वायलेट और येलो कलर के लिए हम डिस्पर्सिव पावर निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था वर्नियर जो स्केल होते हैं आपके दो होते हैं V1 V2, मैंने लैड कर लिया उन दोनों को, एक को V1 रखा, जो छोटा वाला है उसको V1 और बड़े वाला उसको V2। ठीक है, इसमें दो छोटे बड़े होते हैं,
ठीक है, अब ये मशीन कैसी बनी है उस पर, क्योंकि जो मशीन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल लैब में, तो उसमें एक छोटी एक बड़ी है, बर्नियर स्केल उसमें है, ठीक है ना। देन टेलीस्कोप रीडिंग के बारे में बात करें, फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए तो मिनिमम स्केल रीडिंग आपकी ये आएगी, बर्नियर स्केल आपकी ये आएगी, और जो इसका लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई कीजिए बर्नियर स्केल को और देन आप मिनिमम स्केल रीडिंग के। देखिए जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये सर मैंने जल्दीबाजी में लिख दी होगी, बट लेकिन आपको क्या करना है कि ये जो बड़े स्केल है इसको लिस्ट काउंट कितना 0.5 मिनट से मल्टीप्लाई करना है 5x20 जो भी आपका आएगा, फिर देन आप इसमें ऐड करेंगे और देन आप आंसर निकालेंगे उसका, ठीक है ना। समझ आए, पूरी बात समझ आए। तो आप क्या करेंगे कि बड़े स्केल में लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और देन उसके बाद मेन स्केल में ऐड करेंगे, देन आपका टोटल ए निकलेगा ये, ठीक बात, पूरी समझ आए, ए या फिर एक्स मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। ऐसी वीडियो के लिए करेंगे, ऐसी आप येलो कलर के लिए आप यही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। मेन जो वर्नियर स्केल है उसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि लिस्ट काउंट का काम ही यही है, ठीक है ना। तो नहीं तो लिस्ट काउंट निकालते क्यों है, ठीक है ना। लिस्ट काउंट से वर्नियर स्केल को मल्टीप्लाई कीजिए, देन मेन स्केल में ऐड कीजिए, तब आपका परफेक्टली आंसर निकलेगा, ठीक बात। देन डायरेक्ट इमेज, अब डायरेक्ट इमेज जैसे आप लगाते हैं और डायरेक्ट इमेज देखते हैं, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी बर्नियर स्केल पर V1 V2 पर वही आप यहाँ पे लिख देंगे, ऐसी इसके लिए, ऐसी वॉलेट के लिए, ऐसी येलो के लिए। अब देन डिफरेंस आप निकालेंगे, डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपका आ गया कौन कौन सा डिफरेंस, डिफरेंस आप किस में निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई डेविएशन आप निकालें, डेविएशन तो आप क्या करते हैं, आप निकालिए डेविएशन इसमें से, इसमें और इसको, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया y, ठीक है, ये आपका x हो गया, ये आपका y, तो x माइनस वाई कीजिए, डेविएशन आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों का आप मेन पॉइंट निकाल दीजिए और इन दोनों का आप मेन पॉइंट निकाल दीजिए, ये आपका हो गया डेविएशन। तो वॉलेट के लिए डेविएशन कितना है आपका 41.44 डिग्री, एंड देन येलो के लिए डेविएशन कितना है 36.38 डिग्री, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जब भी आप वर्नियर मेन स्केल में वर्नियर स्केल को ऐड करेंगे, तो वर्नियर स्केल को पहले आप लिस्ट काउंट से उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप मेन स्केल में ऐड करेंगे, उसके बाद ही आपका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक बात। उसके बाद आपके आपका आता है वर्नियर कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, वर्नियर कॉन्स्टेंट कितना होता है 30 सेकेंड, 0.30 सेकेंड मान लीजिए, या फिर आधा मिनट, या ये वर्नियर कांस्टेंट कह लीजिए, या फिर आप इसका लिस्ट काउंट कह लीजिए 0.30 सेकेंड, या फिर आपका कितना हो गया हाफ मिनट, या फिर कितना हो गया 0.30 सेकेंड, ठीक बात। रिजल्ट में आपको लिखना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म में आपका कितना आया, इतना, ठीक है ना, डिस्पर्सिव पावर। आप चलते हैं, देखिए ये कैसे निकलेगा अभी हम चेक करेंगे इसके कैलकुलेशन के लिए। ये तो हमने सब निकाल दिया, अब कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, डिस्पर्सिव पावर निकालने के लिए हमें W इज इक्वल होता है μv - μy / μy - v। तो पहले हमें म्यू चाहिए, तो म्यू के लिए हमने डेल तो निकाल दिया, ए की वैल्यू हमें 60 पता है, वैल्यू हमने पुट अप करी पहला, ये आपको किस लिए निकल गया, म्यू वी के लिए आपका इतना निकल गया, ठीक है। देन म्यू वाई निकालना है, म्यू वाई के लिए आपका जो म्यू वाई का येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इतना निकल गया, ठीक है। और म्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, म्यू अगर ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप म्यू वी प्लस म्यू वाई अपॉन टू कर दीजिए, आपका म्यू इतना निकल जाएगा, ठीक बात। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, म्यू वी माइनस म्यू वाई अपॉन म्यू माइनस वन, कैलकुलेट कीजिए आंसर ये आएगा, ठीक बात। तो यही आपको लिखना है, तो ये आपका क्या है, डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है, मेटल ऑफ द प्रिज्म। तो रिजल्ट में आपको यही लिखना है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म 0.0212, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजल्ट, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मेटल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ना, प्रिज्म का आप मटेरियल के, प्रिज्म के मटेरियल का आप डिस्पर्सिव पावर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में आप ये लिखेंगे, सही बात, ठीक। तो ये तो रिजल्ट हो गया, एंड देन उसके बाद आते हैं आपके पास प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में आपको क्या करना है, टेक द रीडिंग विदाउट एनी पैरेलल एरर्स, जो पैरेलल एरर्स है उसको हटाते हुए आप जो है रीडिंग लेंगे, और मेक द स्लिट वेरी थिन, स्लिट को बहुत पतला बनाइए, एंड फाइंड द पोसी बल, ठीक है, फाइंड द पॉसिबल। देखिए जो स्लिट आपकी बन रही है उसको आप जो है क्लीन बनाएंगे, पहले तो आपको बताया जो इमेज बन रही है आपको क्लीन ही बनानी है, एंड दैट इज अ परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें आप और पहला ये भी जोड़ सकते हैं कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू अ एक्सपेरिमेंट, देन यू शुड यू मस्ट चेक दैट एक्सपेरिमेंट इज ऑलरेडी राइट और नॉट, और दैट एक्सपेरिमेंट इज वर्किंग वेल और नॉट, ओके। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं, प्रिकॉशन जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल होता है ख़त्म, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ठीक तरीके से समझ आया है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे,
ठीक है, और अगर कोई कुछ नहीं समझ आता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे आने वाली वीडियोस में हम उस प्रॉब्लम को लेंगे और एक डाउट क्लैरिफिकेशन का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ठीक है, तो आज के लिए और एक बात के लिए क्षमा चाहूँगा, अगर जैसे वीडियो बनाते समय अगर आपको आउटसाइड का नॉइस पोल्यूशन अगर आपको सुनने को मिला तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।